तो दोस्तों आ चुके एक और नए वीडियो के साथ, और इस वीडियो में हम लोग जाने वाले हैं मिलिट्री बेस। ओ ओ ओ ओ सबसे पहले आप सभी को हैप्पी दिवाली। हाँ बाय द वे, वीडियो एक दिन लेट आ रही है, इसके लिए सो सॉरी, पर फिर भी स्टिल सभी लोग हैप्पी रहना। तो दोस्तों आ चुके हैं एक और नए वीडियो के साथ, और हम जा रहे हैं फिर से मिलिट्री बेस। और हमारी लैंडिंग देखो भाई, क्या ही तगड़ी लैंडिंग हो रही है, और ऊपर से काफ़ी सारे बंदे भी आए थे। अभी देखो भाई यहाँ पे कैसी भसड़ मचाते भाई, उतरते बिल्कुल तो पहले मुझे गन वन मिलती नहीं है भाई, एक शॉट गन से भाई क्या ही उखाड़ता मैं बंदों का। अब जैसे ही मैं सेकंड सी बिल्डिंग में उतरता तो मुझे मिलती है शॉट गन, और बगल पे मेरे दो बंदे रहते हैं। मैं उनको सोचता हूँ पहले ट्राई करूँ मारना, पर उसके हाथ में मुझे गन दिखते हैं और मैं भाई वहाँ से भाग जाता हूँ भाई। मतलब बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी जान बचाई। और अभी यहाँ पे देखना भाई, सब जगह घर छान मार दूंगा, पर घंटा कुछ नहीं मिलता मुझे। अभी देखो तुम, यहाँ पे लेवल 3 का वेस्ट उठाया, फिर उसके बाद ये फिर से वही फट 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 वाली गन भाई, क्या ही बताऊँ मैं, कुछ समझ में नहीं आता। तो चलो थोड़ा सा इसको स्किप करते हैं भाई, आगे से देखते हैं क्या सिचुएशन होने वाली है। अब गाइस फाइनली उतना सारा ढूंढने के बाद मेरे को मिल जाती है M4, और भाई मेरा खुशी का कोई ठिकाना नहीं। अब मुझे काफ़ी सारे बंदे मारने थे और मैं चले गया भाई बंदे मारने के लिए। सबसे पहले तो मैंने बोला यार थोड़े दो चार ये छोटे से कमरे और छान मन ले तो क्या पता कुछ मिलता है, पर घंटा कुछ नहीं मिलता। अब देखो यहाँ पे एक बंदा भाई, इसको निपटाने के बाद भाई सभी लोगों को बहुत खुशी जरूर मिली होगी, क्योंकि भाई ये कब से सभी को तंग कर रहा था, और ये एक आता ही है, ये पता नहीं अपनी लूट भाई कहाँ ही मचा रहा था भाई। और भाई मैंने बोला इसको टाइम से पहले फिनिश कर लो भैया, नहीं तो रिवाइव विवाइव हो जाएगा। और मेरे पास भी ज़्यादा बुलेट नहीं है, 40x17 बुलेट्स हैं। अब मैं सोचता हूँ उसका बंदा एक पीक वीक दे रहा था वहाँ से, मैं बोलता हूँ नेट कुक करके मार ही देता हूँ, फिर कुछ होता नहीं है। फिर मैं अपने दोस्त को कॉल देता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई चल आ जा, उस पर घुसते हैं। तभी ऊपर से आती है एक बग्गी। अब देखो इनको भाई कैसे पढ़ते हो। जैसे ही वो बग्गी वाले नॉक हो गए तो बचा था आखिरी, और मैंने अपने दोस्त को बोला कि चल भाई उस पर पुश करते हैं, और हम चले गए पुश करने। अब देखो उसका क्या बढ़ता बढ़ता है, और इसी के साथ भाई वो फिनिश हो चुका है। और भाई लूट के नाम पे कुछ नहीं थी, सभी लोग टूट पड़े, मैं भी बाहर जाके लूटने लग गया। और बाय द वे इस गेम प्ले की खास बात यह है कि भाई हम उतरे हैं मिलिट्री बेस में, जो कि हमारा हॉट ड्रॉप था भाई। इसी हॉट ड्रॉप में पूरा मैच फिनिश होने वाला है, सब फिनिश होने वाला है। मतलब इस गेम का कुछ पता ही नहीं लगा हमको कि भाई कि हाँ हमने मैच भी खेला। नहीं तो भाई अदर्स मैच में ऐसा होता था कि भाई वो 4 बंदे 10 बंदे ढूंढते ढूंढते तो भाई फट के 5 जाती थी भाई, कौन ढूंढेगा उतना। तो भाई अब यहाँ पे मतलब ये गेम प्ले इसलिए सही था क्योंकि भाई सब जगह यही मिल गया। अब फाइनली ये मिलता है बॉट, अब इसको मेरा दोस्त मार देता है। मैं सोचता हूँ भाई केडी वीडी बढ़ जाएगा, बिकॉज लगभग मैं 2 दिन से सैनो खेल रहा था, और भाई केडी 5 से मेरी 3 पे आने वाली है भाई। डिमोटिवेट होना है तो भाई सैनो खेलो, साफ और सीधी बात, और मोटिवेट होना है तो भाई कुछ भी खेल सकते हो, बट सैनो छोड़ के। और फाइनली वहाँ से सारी लूट करने के बाद हम लोग आ जाते हैं कि मतलब मेरे दोस्त लोग बता दे इधर बंदे, और एक बंदा मेरे को स्पॉट भी होता है। आप देखो उसको कैसे बढ़ते हैं, और भाई मेरा दोस्त मतलब ये किल चुरा ही लेता है कि मतलब बस बच गया मैं, मतलब मैंने वो नॉक कर दिया भाई, मेरे नाम का खाता है। अब मैं चढ़ जाता हूँ इस टावर पे फटाफट, मैंने बोला कि यार भाई सब चढ़ते हैं, हम भी चढ़ते हैं भाई, इस बार हम भी थोड़ा इस टावर का फ़ायदा उठाएंगे। और भाई दोस्तों आप लोगों को बता दूँ, इस मिलिट्री बेस में लगभग 6 या 7 स्क्वाड आई थी, पर किस्मत हमारी इतनी अच्छी थी कि इधर मतलब सी बिल्डिंग में कोई नहीं आया। अब देखो यहाँ ऊपर एक बंदा कैम्प कर रहा था, मैं नेट कुक करने की कोशिश करता हूँ भाई, लेकिन उसको कोई डैमेज नहीं पड़ता, वो भी नेट कुक करता और उस पर घुस जाता हूँ भाई। और मैं अपने दोस्त को चिल्लाता हूँ भाई वहाँ पे नेड है क्योंकि उसने कुक किया था। अब मैं यहाँ से बंदे स्पॉट करने की कोशिश करता हूँ, और यहाँ पे से मुझे 2-4 किल और एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। फाइनली टावर के बंदे ख़त्म करने के बाद एक बंदा स्पॉट होता मुझे इधर, और भाई इसको भी नॉक कर दिया हमने भाई, ये पता नहीं कहाँ भाग रहा था। और इसका एक और बंदा है भाई, वो भी है। अब देखो वो वाला सीन कट कर देता हूँ क्योंकि भाई उसमें बहुत बोरिंग सीन है, उसको दिखाना है क्या भाई, मतलब कुछ एक्साइटमेंट होनी चाहिए ना, वो चीज़ दिखानी चाहिए। तो अभी चलते हैं भाई डायरेक्ट उस सीन की तरफ। हम सब लोग यही सोच रहे थे कि भाई हमने कर दिया मिलिट्री बेस क्लियर, भाई हम ही खिलाड़े। तभी मेरे दोस्त को देखता बंदा, और भाई इसकी खास बात यह है इसने चलाई थी फ्लेयर। अब यहाँ पे पूरे गेम का ट्विस्ट यहीं बदलता। देखो 35 अलाइव है अभी, और बहुत बड़ा जोन है, सही में लिटरली बहुत बड़ा जोन है, और किसी को नहीं पता कि बंदे कहाँ हैं क्या हैं। बट ये जो ड्रॉप है भाई, ये किस्मत ही पलट देता है भाई हमारी। अब देखो यहाँ पे मैं एक फ्री नेट कुक करता हूँ भाई, मैं बोलता हूँ क्या पता कुछ हो जाए, और बंदा मेरे को स्पॉट होता है। तो चलो अब इसको कैसे बेलते भाई, क्या ही TPP ले रहा था ये। वैसे मुझे बहुत आराम से फिनिश कर सकता था क्योंकि इसने काफ़ी जल्दी TPP ले ली थी, और मैं इतना ओपन आ रहा था, पर भाई मेरी किस्मत बहुत सही है। देखो यहाँ पे ऐसा होता है कि मैं मस्त पैन फाइट खेल रहा था, तभी आता बंदा, वो भाई इसने मेरे 4th नंबर को नॉक कर दिया, और भाई मैं भी नॉक पड़ा इधर। मैंने बोला भाई ये बहुत सारे बंदे होंगे, तो मैं मतलब
देखो मेरा मेरा वॉइस तो इसमें आ नहीं रहा होगा, मैं तो वॉइस ओवर कर रहा हूँ, तो मैंने अपने दोस्तों को बोला था कि भाई इसको सेफ रखना कैसे भी, तभी दिखते दो बंदे और। तो भाई फाइनली इनको भी नॉक करने के बाद इनका चौथा बंदा तो ढूंढ के भी नहीं मिल रहा था, मेरे बंदे भाई इनसे ऑल पे पता नहीं क्या फलाना ठिकाना पूछ रहे थे भाई। तो फाइनली मैं तो इनको जल्दी जल्दी फिनिश कर देता हूँ और अपने नंबर 4 को रिवाइव देने के बाद चलते हैं नेक्स्ट फाइट के लिए। जैसे ही मैंने अपने बंदे को रिवाइव दिया भाई, काफ़ी दूर से शॉट आ रहे थे डीपी के। अभी देखो ये डीपी वाला भाई, ये भी हो चुका है नॉक और मेरे सारे बंदे भाई इसके ऊपर चढ़ जाते हैं। अब जिस बंदे को मैंने अभी मारा था वो हुआ था नॉक, और हम उसके सभी बंदों को ढूंढने के लिए ढूंढने बैठे कि भाई वो तीन बंदे हैं कहाँ। तो मेरा दोस्त अभी बाइक लाता है B-Lac हमजा, और भाई देखते हैं अब इसकी बाइक में हम जैसे ही बैठते हैं तभी आती है आगे से गाड़ी, और यहाँ पर मेरे साथ होता है स्कैम। भाई इतना हिट देने के बाद भी कसम से एक भी किल नहीं मिला, और मेरे दोस्त कुत्ते की तरह उसके पीछे चलते हैं और भाई फाइनली उसको मार ही देते हैं। अब ये गाड़ी वाले फिनिश होने के बाद मेरा दोस्त मेरे को MK14 भाई सप्लाई करता है कि भाई यहाँ पे MK14 है, और भाई तुमको पता है कि तुम्हारा भाई MK14+6X, ओ भाई मतलब ये तो मेरी जान है। अब यहाँ से MK14 उठाते हैं और चलते हैं भाई ब्रिज की तरफ, क्योंकि अब यही दो ब्रिज रह गए थे भाई जहाँ से बंदे आने थे, और 15 अलाइव हैं अभी। तो हमने बोला कि ये डिसीजन सही रहेगा कि हम लोग ब्रिज की तरफ चले जाएँ, तो बस मैं उठाता हूँ अपनी ये बाइक और चलो भाई ब्रिज की तरफ चलते हैं। भाई वहाँ से सारी लूट करने के बाद आ चुका था मैं ब्रिज पे, मेरे पास MK थी, M4 था, 6X था, कॉम्पनसीटर था, भाई क्या नहीं था। तभी दिखती मुझे आगे फ्लेयर और मेरे हो जाती फटके 4। मैं गाड़ी रोकता हूँ यहाँ पे, पर मैं सोचता हूँ यार भाई नहीं आगे चलता हूँ, किस लूँगा अपने दोस्तों से। जैसे मैं यहाँ पे गाड़ी रोकता हूँ मेरी हेल्थ हो जाती आधी, मैं पेड़ का कवर लेने की सोचता हूँ और मैं बोलता हूँ एक दो नॉक तो कर ही दूंगा, पर तब तक मेरे दोस्त उनको नॉक कर देते हैं। देखो यहाँ पे मैं डैमेज था, मैं सबसे पहले अपना हील अप करता हूँ और उन पे पुश कर देता हूँ भाई। अब देखो छत से एक बंदा कूदता है भाई, लिटरली वो एक गोली का बंदा था और यहाँ पे मेरा किल हो जाता चोरी। अब मेरे दोस्त लोग गाड़ी पे उस पर रश कर देते हैं, फाइनल बंदों को मैं मार देता हूँ इधर पे। अभी देखो वहाँ से डीपी का स्प्रे पड़ता है और मेरा नंबर 2 साइबर भाई जो कि लुटेरा है नंबर 1 वो नॉक हो जाता है, और मेरे को भी काफ़ी तगड़ा डैमेज पड़ता है। फिर मैं अपने दोस्तों को बोलता हूँ कि भाई कवर चाहिए, स्मोक्स करो, स्मोक्स करो, कुछ भी करो, पर करो भाई जान बचा लो बस। और मुझे भी हील करनी थी, और मैं आ जाता हूँ इस टूटी फूटी गाड़ी के पीछे। भाई यहाँ से हील वील करने के बाद हमको प्रॉपर पुश करना था उसके ऊपर, क्योंकि हमारी गाड़ी बिल्कुल ब्लास्ट ब्लास्ट उन्होंने कर दी थी। मेरे पास 3 स्मोक थे, मैंने 3 स्मोक कर दिए थे, और मेरे जो बंदे थे पीछे उसके पास 1 ही स्मोक था जो मेरे साथ पुश करने जा रहा था, वो अपना स्मोक रोड पे फेंक देता और बाकी का जो मेरे 3 स्मोक है वो पाथ मैं बना लेता हूं। अब देखो वहां पे से बंदे हमको थोड़ा सा हिट देते हैं लेकिन वो हमको लगते नहीं है। अब मेरा जैसी मतलब मैं अपनी ये पेप्सी पीता तो मेरा नंबर 3 मतलब पुश कर देता उसके ऊपर। अब देखो वो वहां से भाग जाते हैं, मतलब भाई जब फाइट लेनी है तो भाई फेस टू फेस फाइट लो ना। अब भाई चलो इसका मुझे एक फ़ायदा मिलता है, अभी तुम यहाँ पे बहुत तगड़ा स्प्रे देखने वाले हो। अब देखो वो बंदे इस दीवार के पीछे रहते हैं, अब वहाँ से वो रोटेशन लेके जैसे ही आते हैं तो भाई मैंने लगाया MK पे 6X और भाई दह भरा भाई। अब देखो स्प्रे, तो भाई जैसे ही एक को निकाला चलो भाई दूसरे वाले को मेरे दोस्तों ने मार दिया, B-Lac हमजा ने मार दिया उसको। पर भाई अगर ये स्प्रे तुमको अच्छा लगा हो तो भाई एक लाइक तो बनता है, और हो सके तो भाई सब्सक्राइब कर ही दो यार भाई अगर आपको मेरा MK+6X अच्छा लगता है तो। अब वहाँ पत्थर के पीछे एक बंदा रहता है भाई जिसको मैं हिट देने की कोशिश करता हूँ, जिसने नाक में दम कर रखा था, फाइनली उसको भी मेरे दोस्त लोग मार देता है, ये किल मेरे हाथ ही लगता और मुझे जोन भी जाना था। अब भाई जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये फाइट होने वाली है बस मिलिट्री बेस में ही, जो कि हमारा हॉट ड्रॉप था, यहीं हमारा सब कुछ होने वाला है। अभी देखो वापस हम फिर से मिलिट्री बेस जाने वाले हैं, और मतलब कुछ अलग ही स्वाद आ गया मतलब इस गेम में। अब देखो इतना तो था कि पहले हम लोग ब्रिज कैम्प करने वाले थे और हम इधर ये बंदे मारने आ गए, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई हमारा ब्रिज कैम्प ना करें। और यहाँ पे 2 बंदे ब्रिज कैम्प करते जो कि हमें थोड़ा सा हिट देखते हैं, और भाई हम बोलते हैं भाई आज तो मर गए। अब देखो मेरा दोस्त ठोकता भी तो कहाँ ठोकता है, अब देखो इनको कैसे बढ़ते भाई MK से। और भाई इसी के साथ मेरे को लग रहा है सबसे फास्टेस्ट ब्रिज कैम्प क्लियर करने वाला सीन बन चुका है जहाँ तक मुझे लगता है। भाई ये 2 बंदे थे, दोनों पे मतलब एक एक हेड मारा, ख़त्म, कुछ भी, मतलब कैसा ब्रिज कैम्प है यार भाई। और ये ड्राइवर को देखो भाई, ये और ख़तरनाक है। अब यहाँ से थोड़ा लूट वूट करने के बाद ओनली एक बंदा बच जाता है, और मैं हो जाता हूँ पागल कि भाई उस एक बंदे को भाई कहाँ कहाँ ढूँढूँ मैं। अब चलो भाई गाड़ी निकालते हैं और उस एक बंदे को भी ढूँढने चलते हैं भाई।
अब चलो इतना तो है कि वो आखिरी बंदा हमको इतना इंतजार नहीं करा था। हम लोग फाइनली आ गए फिर से मिलिट्री बेस के ड्रॉप पे, और पीछे आती है गाड़ी और मैं बोलता हूँ गाड़ी 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 गाड़ी, और एक बंदा यहाँ पे, और भाई ये भी मतलब मेरा ही किल था, पर लेकिन ये चोरी हो जाता भाई, क्या बताएं। अब भाई साहिब भाई है ही ऐसा तो क्या ही बताऊँ मैं। ये मेरा बाय द वे टीममेट्स है एंड बेस्ट फ्रेंड है, तो मतलब काफ़ी अच्छा सपोर्ट दे देता है कंटेंट बनाने के लिए, और भाई इसके लिए इसको बहुत बड़ा थैंक्स ब्रो। और भाई इसी के साथ MK+6X भाई लाइक तो बनता है भाई, ये तो बोलने वाली बात ही नहीं है, तो भाई लाइक कर देना मेक श्योर। और अभी देखो आगे, तो दोस्तों मेक श्योर आप लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, अगर MK+6X आपको अच्छा लगता है तो भाई अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना कि हाँ ये बंदा है जो भाई MK+6X भी चलाता है कभी कभी। और भाई मिलते हैं आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए बाय बाय।